छत्तीसगढ़ के आज के खबरों की शुरुआत आज की सुर्खियों के साथ। नए साल से 5 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट से 7700 मेगावाट बिजली उत्पादन की है तैयारी। छत्तीसगढ़ को साल 2023 में मिलने वाली है सौगात। बिलासपुर में हो गया है भीषण सड़क हादसा जिसमें 2 लोगों की मौत। पिकनिक मनाकर वापस लौट रहे थे, टायर फटने से अनियंत्रित होकर पलट गई कार जिसमें 3 के हालात अभी भी गंभीर। मालगाड़ी की छत पर मिली अधेड़ युवक की लाश, 25,000 हाई वोल्टेज ओएची तार की चपेट में आकर मौत। आरपीएफ और कुसमुंडा पुलिस जांच में जुटी। धान खरीदी में फर्जीवाड़ा, उपप्रबंधक सस्पेंड। 20 करोड़ की फर्जी बैंक गारंटी लगाकर किया गया धान का उठाव। जिला विपणन अधिकारी पर मिलर्स से साठगांठ का आरोप। फिलहाल खबर गौरेला पे नंबर 1। और अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ के हैं, छत्तीसगढ़ की प्रमुख बड़ी खबरें ठीक इसी प्रकार देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। 4 साल बाद एक बार फिर से टमाटर के दाम कौड़ियों के भाव गिरते नजर आ रहे हैं। 2 से 2.5 रुपए प्रति किलो की दर पर टमाटर बिकता हुआ बीते दिन दिखाई दिया है। तकरीबन 4 साल बाद एक बार फिर से टमाटर के दाम बेहद गिर गए हैं। लुढ़े की मंडी की बात करें तो बीते दिन टमाटर 60 से 70 रुपए भार यानी तकरीबन 2 से 2.5 रुपए प्रति किलो की दर पर बिके। कुछ निश्चित इलाकों में टमाटर की खेती सिमटने के बावजूद भी ये हालात पैदा हो रहे हैं। इधर लुड़ेग व बागबहार क्षेत्र के किसानों की मजबूरी ये है कि उनकी जमीन पर टमाटर का ही सबसे अच्छा उत्पादन होता है क्योंकि जमीन में अम्लता की मात्रा ज्यादा है। यदि दूसरी फसल लेंगे तो उत्पादन उतना अच्छा नहीं होगा। उद्यान विभाग के आंकड़ों के मुताबिक इस वर्ष 5,000 हेक्टेयर भूभाग पर टमाटर की खेती हुई है। आंदोलन करेंगे कर्मचारी। 15 जनवरी को पूरे प्रदेश में काम बंद करके अनियमित कर्मचारी रायपुर में बैठक आयोजित करने वाले हैं। दरअसल प्रदेश की राजधानी रायपुर में अनियमित कर्मचारी बड़े आंदोलन की तैयारी में हैं। नए साल में पुरानी मांग को लेकर एक बार फिर से नए जोश के साथ कर्मचारी संगठन सड़कों पर उतरने की तैयारी कर चुके हैं। 15 जनवरी को रायपुर में प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन आयोजित करने की तैयारी है। इसे नाम दिया गया है अनियमित बैठक। छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा के प्रांतीय संयोजक गोपाल प्रसाद साहू के मुताबिक प्रदेश में कार्यरत अनियमित कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, साथ ही कलेक्टर दर, श्रमायुक्त दर पर कार्यरत जो भी श्रमिक है, साथ ही प्लेसमेंट, मानदेय, अंशकालिक और ठेका कर्मचारी ने मिलकर आंदोलन की रूपरेखा तय कर दी है और 15 जनवरी को रायपुर पहुंचने को कहा गया है। आरक्षण विधेयक को लेकर सर्व समाज की बैठक हुई। 3 जनवरी को आयोजित होने वाली है महारैली जिसे सतनामी समाज ने किनारा कर लिया है। कहा सबको न्याय मिलना चाहिए। दरअसल रायपुर के प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में बीते दिन महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने इस बैठक में सभी समाज के प्रमुखों को आमंत्रित किया जिसमें आगामी 3 जनवरी को होने वाली महारैली की रणनीति बनाई गई। साथ ही इस बैठक में अलग अलग समाज के प्रतिनिधियों से चर्चा की गई। हालांकि इस महारैली से सतनामी समाज ने किनारा कर लिया है। साथ ही बात करें तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने आरक्षण के अनुपात के बारे में जानकारी दी और बताया कि किन आधारों पर आरक्षण का अनुपात तय किया गया है, साथ ही कैसे विधेयक के पारित होने के बाद इसका सीधा लाभ समाज के लोगों और विशेषकर युवाओं को होगा, इस बात की जानकारी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने दी। नए साल से चलेगा कोरोना सप्ताह। छोटे बच्चों को लगाया जाएगा टीका और ये विभिन्न तरह की बीमारियों से बचाव के लिए छोटे बच्चों के लिए नए साल की शुरुआत विशेष टीकाकरण सप्ताह अभियान से चलाकर शुरुआत करी जाएगी। इसके तहत जनवरी, फरवरी और मार्च के पहले सप्ताह में रोजाना टीके लगाए जाएंगे। साथ ही पल्स पोलियो के तीसरे डोज की भी शुरुआत 2 जनवरी से होने वाली है। वर्तमान में हर सप्ताह मंगलवार और शुक्रवार को प्रत्येक शासकीय स्वास्थ्य केंद्रों में बच्चों को विभिन्न बीमारियों से बचाव के लिए वैक्सीन लगाई जाती है। नए साल में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 3 माह तक विशेष टीकाकरण सप्ताह चलाने का फैसला किया गया है। और अब चिटफंड कंपनियों की संपत्तियों को नीलाम करने को लेकर खबर। निवेशकों को अभी भी धनराशि उनकी वापस नहीं मिल पा रही है और ये हो रहा है चिटफंड कंपनियों से ठगी हुए शिकार। जो भी निवेशक हैं उनको राशि वापस लौटाने के लिए जिला प्रशासन अब तक कई चिटफंड कंपनियों की संपत्तियों की नीलामी कर चुका है। वहीं कुछ संपत्तियों की नीलामी करने की तैयारी अभी भी जारी है लेकिन प्रशासन की तमाम कार्यवाहियों के बाद भी निवेशकों के हाथ खाली के खाली नजर आ रहे हैं। अब तक प्रशासन को 42 कंपनियों
द्वारा ठगे गए निवेशकों से तकरीबन 3.5 लाख आवेदन मिले थे और ऐसे में इनमें से 16 चिटफंड कंपनियों के विरुद्ध न्यायालय में प्रकरण भेजे गए हैं। इनमें से 11 प्रकरणों में आदेश भी पारित किया गया है, जिसके तहत 4 प्रकरणों में नीलामी की प्रक्रिया पूरी कर 5.74 करोड़ रुपए की राशि जिला प्रशासन को मिल चुकी है, लेकिन इस राशि में अभी तक प्रशासन सिर्फ 4.14 करोड़ रुपए की राशि ही लौटा पाया है, जबकि अभी तक अन्य राशि अभी तक निवेशकों को नहीं मिल पाई है। स्टूडेंट्स जो है अब इन स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर है, क्योंकि 7 जनवरी तक आप अपना आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। रविशंकर विश्वविद्यालय में परीक्षा फॉर्म भरने की तारीखें बढ़ा दी गई हैं। इसके बाद अगर आप लेट करते हैं तो आपको 100 रुपये एक्स्ट्रा चार्जेस लेट फी के तौर पर देना होगा। दरअसल पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय ने परीक्षा फॉर्म भरने की समय सीमा को आगे बढ़ा दिया है। छात्र और विद्यार्थियों द्वारा लगातार यह मांग की जा रही थी, जिस पर सहमति दे दी गई है। इस संबंध में विश्वविद्यालय प्रशासन ने आदेश भी बाकायदा जारी किया है। परीक्षा फॉर्म भरने की समय सीमा पहले 31 दिसंबर 2022 तक थी, जिसे बढ़ाकर 7 जनवरी 2023 तक कर दिया गया है। जानकारी मिली है कि स्टूडेंट्स को ऑनलाइन फॉर्म भरने में कई तरह की समस्याएं और सैकड़ों दूर दराज के क्षेत्र के स्टूडेंट्स जो फॉर्म भरने से वंचित रह गए थे, जिसके चलते ये निर्णय लिया गया है। नए साल से मोबाइल में मस्टर रोल पर लगेगी हाजिरी, जियो टैगिंग से होगी मॉनिटरिंग। दरअसल अगर बात करें तो नए साल पर नई व्यवस्थाओं के तहत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के कार्यों की निगरानी होगी। इसके तहत 1 जनवरी से मैन्युअली हाजिरी के बजाय मनरेगा नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर यानी NMMS के ऐप पर अब श्रमिकों की उपस्थिति दर्ज होने वाली है। इसके साथ ऐप पर जियो टैग के साथ कार्यों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग भी करी जा सकती है। प्रशासन का दावा है कि इसके लिए न सिर्फ मनरेगा का कार्यों में पारदर्शिता आएगा, बल्कि मेट और श्रमिकों के काम में मनमानी भी रोकी जाएगी। 7 जनवरी को कोरबा आने वाले हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। विकास कार्यों का जायजा भी लेंगे, केंद्र सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा भी प्रदेश में करने वाले हैं। दरअसल देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 7 जनवरी 2023 को कोरबा जिले के एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इसके अनुसार बात करें तो अमित शाह झारखंड से होते हुए एक दिन के प्रवास पर कोरबा आएंगे। इस दिन वे आकांक्षी जिला कोरबा के विकास कार्यों का अवलोकन करेंगे, जिले के अधिकारियों की बैठक भी लेंगे और इस बैठक में केंद्र सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा भी की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बैठक के बाद भारतीय जनता पार्टी कोरबा जिला की कोर कमेटी की बैठक भी होगी। इसके बाद मां सर्वमंगला के दर्शन और पूजा अर्चना भी करने वाले हैं। पंच तत्व में विलीन हो गए हैं शहीद मनीष नेताम। राजकीय सम्मान के साथ इनका अंतिम संस्कार किया गया। दरअसल लेह लद्दाख सीमा पर तैनात धमतरी जिले के जवान मनीष नेताम, जो कि 24 वर्ष के थे, इनको 28 दिसंबर को ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए और ऐसे में बीते दिन उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ उनके गृह ग्राम धमतरी जिले के खरेंगा में किया गया। जवान मनीष नेताम सेना के मराठा रेजिमेंट में तैनात थे। लेह लद्दाख में -20 डिग्री सेल्सियस तापमान में ड्यूटी कर रहे जवान की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। बुधवार को उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और इलाज के दौरान सेना के अस्पताल में उनकी मौत हो गई थी। आगामी दिनों में जारी होगी परीक्षा की नई समय सारणी। मार्च के दूसरे सप्ताह में होली के बाद होगी वार्षिक परीक्षाएं। दरअसल हेमचंद यादव विश्वविद्यालय के मार्च के दूसरे सप्ताह से यानी होली के बाद वार्षिक परीक्षाएं आयोजित होंगी। इसकी विस्तृत समय सारणी आने वाले दिनों में जारी कर दी जाएगी। इसके पहले फरवरी महीने में सभी प्रायोगिक विषयों की परीक्षाएं ले ली जाएंगी। इसके लिए आंतरिक परीक्षक और बाह्य परीक्षक की नियुक्ति करने की प्रक्रिया भी चल रही है। इन परीक्षाओं के दौरान परीक्षा कक्ष में मोबाइल पूरी तरीके से प्रतिबंधित होगा। परीक्षार्थियों की जांच पूरी तरीके से जांच करने के बाद ही परीक्षा कक्ष में इनको प्रवेश दिया जाएगा। साथ ही परीक्षा की तैयारी के संबंध में कुलपति डॉ. अरुणा पलटा ने विश्वविद्यालय के अधिकारियों की बैठक बीते दिन ली। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करने के बाद भूपेश बघेल ने कहा कि अब प्रधानमंत्री से विभिन्न प्रकार के निवेदन किए गए हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बीते दिन प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करने पहुंचे। दोनों की मुलाकात तकरीबन 1 घंटे तक चली, जिसमें राज्य के कई मुद्दों पर लेकर चर्चा हुई। इसके अलावा भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर उनकी माता के निधन पर शोक जताया, साथ ही कई और विषयों पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री मोदी की मां हीराबा मोदी शुक्रवार सुबह 3:30 पर
जिनका निधन हो गया था, वे 100 साल की थी। इसके अलावा मुख्यमंत्री बघेल ने ट्वीट करके इनके लिए दुख भी व्यक्त किया था। साथ ही भूपेश बघेल ने कहा कि रायपुर में मिलेट कैफे की शुरुआत की जाए, जिसके बारे में रिक्वेस्ट यहाँ पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से करी। नए साल के पहले दिन शिवनाथ महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। हजारों की संख्या में दीप प्रज्वलित होंगे, महा आरती का भव्य आयोजन भी होने वाला है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में महमरा एनीकट तट पर नए साल में शिवनाथ महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर दिन भर अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। तकरीबन 21,000 दीप प्रज्वलित किए जाएंगे, 11 महा आरती का भव्य आयोजन भी किया जाएगा। इस कार्यक्रम में बात करें तो सांसद विजय बघेल समेत अन्य बड़े नेता भी शामिल होंगे। बता दें इस बार भी शिवनाथ महोत्सव का भव्य आयोजन किया जा रहा है। आयोजक मंडल से मिली जानकारी के अनुसार ये कार्यक्रम का 3रा वर्ष है। टूटे बिल्डरों के सपने, क्योंकि छेरीखेड़ा के पास मास्टर प्लान से बाहर हो गई है टाउनशिप। 2 माह में ही जमीन की कीमत 500 रुपए तक गिर चुकी है। दरअसल राजधानी के नए मास्टर प्लान की बात करें तो यहां पर तगड़ा झटका जो है बिल्डरों को लगता नजर आ रहा है। फूंडहर छेरीखेड़ी के आसपास तकरीबन 1 साल से 150 एकड़ से ज्यादा की जमीन खरीदी बिक्री हो गई है। बिल्डरों, उद्योगपतियों और राजनेताओं को भरोसा था कि इस एरिया को मास्टर प्लान में शामिल किया जाएगा, साथ ही नई आवासीय कॉलोनी की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। लेकिन प्लान बनाने वाले अफसरों ने इस एरिया को छुआ ही नहीं। नतीजतन ये हुआ कि 2022 में शुरुआत में इस एरिया में 400 से 600 रुपए वर्ग फीट की जमीन 1000 से 1200 रुपए तक में बिकी, लेकिन अभी इस जमीन की खरीदी बिक्री 500 से 600 रुपए प्रति वर्ग फुट में भी नहीं हो पा रही है, क्योंकि ये एरिया अब ग्रीन लैंड में आ गई है। प्रदेश में अब होगा नार्को टेस्ट। आरोपितों का नार्को टेस्ट अब होने वाला है, जिसकी वजह से एम्स में छत्तीसगढ़ का नार्को एनालिसिस सेंटर बनने वाला है। दरअसल अब किसी भी मामले में आरोपी के नार्को टेस्ट के लिए दूसरे राज्यों को भेजना नहीं पड़ेगा। प्रदेश में जल्द ही नार्को एनालिसिस सेंटर खुलने वाला है। राज्य सरकार के निर्देश पर पुलिस महकमा इसकी तैयारियों में जुटा हुआ है। इसके अलावा बात करें तो इसी कड़ी में पुलिस महकमे के उच्च अधिकारियों ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स में नार्को सेंटर बनाने के लिए प्रस्ताव तैयार करके एमओयू के लिए भेज दिया है। ओपन स्कूल की परीक्षा में आवेदन की अंतिम तिथि लगा दी गई है। अब एक बार फिर से लेट फीस के साथ आप आवेदन कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल की परीक्षा में आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि अब खत्म हो गई है। इसके बाद आवेदन करने के लिए आपको विलंब शुल्क देना होगा। साथ ही बता दें छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल ने विलंब शुल्क के साथ आवेदन की अंतिम तिथि 15 जनवरी रखी गई है और इसके बाद आप किसी भी स्थिति में आवेदन नहीं कर पाएंगे। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार हम आप तक बिना किसी रुकावट रोजाना पहुंचा सकें।